अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपको मैं मुश्क जावे का शौक करा रहा हूँ। अपने फॉर्म पे आया था, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने आपको वो टाइगर पट्ठा दिखाया है जो अब 7 माह का हो गया है, चुटकियों में बहुत आता है। ये आपको मैं सब मुश्क का शौक करा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से जावा है, यहाँ से भी जावा है, बाकी ये मुश्क है। और सबसे पहले तो आप इसके नॉर्मल ही देख लें, करीब से आंख देखें, फोकस कराएं, ज़रा रेड डोरे देखें वाइट आंख में, और नोक देखें इसकी, छोटी सी नोक, मुख्तसर मजबूत गर्दन है इसकी बड़ी, और फ्रंट से देखें ये बिल्कुल मुश्का है। और डंडे इसके चेक करें आप, माशाल्लाह से डंडे बड़े वाइट डंडे मजबूत, और कांटे अभी आ रहे हैं, पूरे साल का नहीं हुआ ये। दूसरा डंडा भी आप चेक कर लें इसके, और इसके पल्ले देखें, ये अभी कुरीज में है, वाइट कलियां रखता है, ये वाइट कलियां हैं इसमें, इसकी भी थोड़ी थोड़ी सी वाइट हैं इसमें। और ये पल्ला देखें आप, इसका घेरा देखें, ये अभी कलियां टूट गई हैं, ये अभी नई आएंगी, और टेल भी इसकी अभी छोटी है, टूट गई है, फिर नई टेल आएगी। जेर दुम है, खासा अच्छा मजबूत जानवर है और अच्छे मोहरे में है। अगर आपको याद हो, जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं उनको तो याद होगा, जो नए आए हैं दोस्त उनको मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। मैं यहाँ फार्म जो इनका रूस्टर का बना रहा हूँ, मैं अपनी ब्रीड NAK ब्रीड बेसिकली मैं तैयार कर रहा हूँ। मुझे आज दूसरा साल है, तकरीबन 3 साल और लगेंगे, मेरी अपनी ब्रीड आ जाएगी। ये ओल्ड पंजाबी असील और मियांवाली का क्रॉस है। आप अगर 2019 की मई जून की मेरी वीडियोस देखें तो मेरे चैनल में जाएं, उन वीडियोस में मैंने एक यहीं खेतों में खड़े होके, मैंने यही मौसम था ऑलमोस्ट, मैंने एक वीडियो बनाई थी, और मेरे हाथ में ये उस वक्त जब ये था, ये चिक था तकरीबन 3 माह का, मैंने उस वीडियो का नाम रखा था ब्लू आइड चिक। ब्लू आइड चिक के नाम से आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं, मई जून 2019 की, अभी अप्रैल है, मई जून भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये चिक मेरे हाथ में था। अब ये माशाल्लाह से कड़ियल जवान मुर्गा बन गया है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये मेरी अपनी ब्रीड मैं तैयार कर रहा हूँ, इसके साथ फिर मैं अगले साल एक मुर्गी लगाऊंगा, और फिर ब्रीड आएगी, फिर एक मुर्गी और मुर्गा, इस तरह से तकरीबन मुझे 5 से 6 साल लग जाएंगे और NAK ब्रीड, मेरी अपनी ब्रीड तैयार हो जाएगी, जो ओवरऑल किसी के पास नहीं होगी। इनका DNA क्रोमोसोम किसी के साथ मैच नहीं करेगा, ये ब्रीड सिर्फ मेरे पास होगी। तो काइंडली फ्रेंड्स, कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरा शौक कैसा लगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।